हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का फिर ब्लॉग, वही शादी वाला सीजन चल रहा है और शादी में फिर से जाना है, तो चलो चलते हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस फाइनली अपने घर से निकल चुके, चलो फटाफट चलते हैं, जहाँ पे गाड़ी मिलेगी वहीं से फिर चलते हैं गिलोला। सो गाइस फाइनली हम गाड़ी स्टेशन पर पहुँच गए, पर यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही, देखते हैं किसी से मिलते मांगते हैं तो ठीक है चलेगा, तो अपना गाड़ी से जाना पड़ेगा, खुद देर रुकना पड़ेगा। मेरी भाई लेके जो बीरपुर लेके जाने वाले हैं, भाई आपका नाम अंकित, अंकित भाई लेके जाने वाले हैं जो बीरपुर से बीरपुर हम तो गाइस देख सकते हो ये रहा हमारे यहाँ का बीरपुर मार्केट, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, और पहले था छोटा और बीचों बीच में ऐसा झंडा लगाया गया है। फाइनली हमें भाई ने जो हेल्प किया था यहाँ तक लाए कोना हैबे तक, ये रहा हैबे जो बहराइच और बलरामपुर की ओर जाता है, और ये रहा इकोना खरीदपुर जो इकोना मार्केट के अंदर जाता है। तो हम जा रहे हैं इकोना मार्केट के अंदर, इसी सीधे रास्ते से, अब यहाँ से इकोना मार्केट स्टार्ट हो जाता है, तो हमें 100-200 मीटर और चलना पड़ेगा। देख सकते हो फाइनली गाइस हम इकोना मार्केट में पहुँच चुके हैं, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है इकोना मार्केट। तो चलो आज आपको इकोना मार्केट दिखाते हैं। गाइस फाइनली हम बस स्टैंड पहुंच गए, और ये देख सकते हो बस जा रहा है बलरामपुर की ओर, और हम पहुंच गए बस स्टैंड, और यहाँ से हमको जाना है करीब गिलोला की ओर, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, 30 या 20 किलोमीटर होगा, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, पर आपको वैसे बता दे रहा हूँ। और ये रहा यहाँ का बस स्टैंड, आगे आगे रास्ते से भी पकड़ सकते हैं, बस आ गई है और इसी बस से हो सकता है तो हम निकलते हैं लोहेबा की ओर, देखते हैं ले जाएगी कि नहीं। गाइस चलो फाइनली हम आपको इकोना मार्केट ही दिखा देते हैं, क्योंकि गाड़ी तो बढ़नी और दिल्ली जाने वाली है, बढ़ने से आई है दिल्ली जाने वाली है, तो पूछा तो मैंने कहा एक घंटा अभी वेट करना पड़ेगा फिर जाएगी। चलो फाइनली हम आपको मार्केट ही दिखा देते हैं यहाँ का, और आगे देखते हैं जो गाड़ी मिल जाएगी तो हम निकल लेंगे। जो ये रास्ते देख रहे हो ये पुरानी मार्केट की ओर जाती है, जो इसके अंदर मैं पहले ऑलरेडी इसका वीडियो बना के डाल चुका हूँ, इसलिए मैं इधर नहीं जाने वाला हूँ आज, आज हमें चलना है सीधे। तो चलो देखते हैं आगे गाड़ी मिल जाती है तो चल देते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे भाई बस मिल गए और बस से जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं गिलोला। इकोना से गिलोला जाने के लिए मात्र 25 रुपये ही लगते हैं। गाइस चाचा के दुकान पे आए थे, चाचा खूब अच्छे से सेवा करे, और इनका दुकान वैसे बस स्टैंड पे है, जो कि आप पाओगे यहाँ पे बस स्टैंड है ये सामने, यहाँ पे आके रुकोगे तो यहाँ पे सामान खरीद सकते हो कॉस्मेटिक का, जो कि हर प्रकार का सामान मिलेगा। तो चलो अंदर दुकान भी दिखाते हैं आज। ये भाई बैठते हैं प्रांशु, भाई आपका नाम प्रियांशु, आप ही बैठते हो ना यहाँ पे या। आप उचित दामों में देते हो ना कस्टमर को सामान, आपको यहाँ पे देख सकते हो बाइक वाइक पर्स वर्स मिल जाएगा, देखो इधर, तो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो एकदम डायरेक्ट, बस स्टैंड पे ही है लोला मार्केट में, और जा रहे हैं शुभम के घर पे, जिसके यहाँ शादी है, चलो शादी में भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आए थे कब का आए थे और गए ही नहीं थे, तो चलो फाइनली पहुंचते हैं शादी में,